सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, फुटबॉल सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। और एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओ, किस आफत में आ फंसा। बारहवीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। ए अयो। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए।